नमस्कार, मैं भावना पैंस एंड ओवंस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी बनाने जा रहे हैं, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके लिए हम सबसे पहले आधा किलो कच्ची अम्बियाँ लेंगे, उन्हें अच्छे से धोकर और छील लेंगे। अब हम उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और इसी तरह बाकी सारी अम्बियाँ भी कट कर हम रेडी कर लेंगे। अब हम एक पैन में 1.5 बड़ा चम्मच तेल लेंगे, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसमें 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। अब हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच सौंफ जो हमने दरदरी पीस कर रख लिए। अब हम इसमें अंबियों के टुकड़े डालेंगे। और उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 3/4 टीस्पून के अराउंड सॉल्ट, नहीं तो वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, और 1 टीस्पून काला नमक। ये सब मसाले डाल के अच्छे से चलाएंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और ढककर इन अंबियों को सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। अभी 7 मिनट हो चुके हैं, हम अंबियों को चेक करेंगे। ये अंबियाँ हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसके अंदर मीठा डालेंगे। आपके पास घर में जो भी चीज़ अवेलेबल होगी, चाहे चीनी, चाहे गुड़, शक्कर, पीसा हुआ गुड़, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 250 ग्राम पीसा हुआ गुड़ डाल रही हूँ और हम इसके अच्छे से मिक्स होने तक और घुलने तक इसको पकाएंगे। अब हम इसके अंदर 1/2 छोटा चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 1 बड़ा चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ और डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गाढ़ा होने तक हम इस लौंजी को पकाएंगे। कच्चे आम की लौंजी लगभग बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। लौंजी को हम चपाती, परांठे, पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आती है, हम उनके टिफ़िन में भी ये डाल कर दे सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि नए रेसिपीज़ के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।